तो ये एडिटिंग ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप हर एक वीडियो में हर एक शॉट में यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक लगता है और इस इफेक्ट को लगाना बहुत ज्यादा इजी, आप 2 मिनट में सीख जाओगे। सबसे पहले आप प्रीव्यू देख लो। स्टार्ट करने से पहले एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आपको आ जाना है कैपकट के अंदर, आपको कोई से भी 2 हेडशॉट की क्लिप यहाँ पर ऐड कर लेनी है, जिस तरीके से मैंने ऐड किया है। तो आप पहले हेडशॉट की क्लिप देख लो, आपको रेशियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो 960 रेशियो वाला सिलेक्ट कर लेना, वरना आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हो तो 69 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए 69 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट कर देता हूँ। तो वीडियो की क्वालिटी काफी ज्यादा लो है, जैसे मैं इंक्रीज करूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से जरूर से देखना। वीपीएन लगा लेना कोई सही, फिर दोबारा से कैपकट के अंदर आना, वीपीएन लगाने के बाद इफेक्ट लगाए, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे की साइड स्क्रॉल करना, आपको एक शार्पन वाला इफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और इसी के ऊपर एक और बार क्लिक करोगे तो एडजस्टमेंट आ जाएगा। ब्लर को आपको बिल्कुल माइनस कर देना है, सैचुरेशन को 10 या 11 रखना है और साइज है ना उसे भी यहाँ पर 8 या 9 10 रखना है। ठीक है, और उसके बाद रेंज को पूरा हाई कर देना है और फिल्टर को पूरा कम कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला, उसके बाद इसे पूरी वीडियो में फैला देना। ठीक है, आपको वीडियो पे क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करके एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा, जिसपे आप एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। तो आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज करना, ब्राइटनेस को आपको 15 रखना है, कॉन्ट्रास्ट को 20 रखना है, सेचुरेशन को आपको रखना है 36 और एक्सपोजर को रखना है यहाँ पर 12 और शार्पन को पूरा फुल कर देंगे और यहाँ पर हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, शैडो को माइनस कर देंगे 10। ठीक है, और मैं थोड़ा सा विग्नेट को भी इंक्रीज कर दूंगा और फिर आपको अप्लाई ऑल पे क्लिक करके राइट कर देना है। और अब हम लगाएंगे स्लो मोशन इफेक्ट, और आपको स्लो मोशन इफेक्ट वहाँ पे लगाना है जहाँ पर आपका करेक्टर उछलता है। तो जैसे करेक्टर हमारा आधा उछल चुका है ना, तो वहाँ पर एक कटआउट लगाना है और उसके थोड़ा सा आगे करना है, और जैसे ही पूरा अच्छे तरीके से उछल जाता है तो वहाँ पे दूसरा कटआउट, बीच वाला पार्ट पे क्लिक करके स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस लाइन को पूरा कम कर देना है और बैटर क्वालिटी पे क्लिक करके यहाँ पर आपका स्लो मोशन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, और इसे आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद इसका वॉल्यूम हमेशा 0 जरूर से कर देना। ठीक है, तो आपको जिस चीज का इंतजार था वो वाला इफेक्ट हम लगाने वाले हैं। तो जहाँ पे हमारा करेक्टर ने हेडशॉट मार के उछल चुका है पूरा अच्छे तरीके से परफेक्टली, तो आपको नीचे के साइड स्क्रॉल करना है और आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्रिज का, जिसपे क्लिक करोगे तो हमारा करेक्टर जैसे उछल चुका है ना, तो उसका ऑटोमेटिक एक स्क्रीनशॉट ऐड हो जाएगा साइड में। आपको फोटो पे क्लिक करना है, स्टाइलिंग का ऑप्शन दिखेगा तो स्टाइलिंग पे क्लिक करके कैमरा सेक वाला इफेक्ट लगा लेना, क्योंकि ये खाली फोटो पे ही इफेक्ट लगता है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम आपको जरूर देना है। और जो हमने ये इफेक्ट लगाया था ये काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, तो इसे इंक्रीज कर लेना, क्योंकि हमने स्लो मोशन इफेक्ट लगाया ना तो छोटा हो गया होगा। तो एक बार क्लिक को देख लेते हैं किस तरीके से हमारा इफेक्ट लगाया, तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन लास्ट में कुछ ज्यादा देर तक हिल रहा है, तो आपको क्या करना है, लास्ट में कटआउट मार के छोटा वाला पार्ट डिलीट कर देना इसको। ठीक है, और जो आगे वाला पार्ट है ना, जो हमारा बेकार पार्ट था, उसे भी आपको डिलीट जरूर कर देना। ठीक है, अब आपको आ जाना नेक्स्ट वाली क्लिप पे। जैसे हमने हेडशॉट मारा है यहाँ पर कोई मैं उछला नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं स्लो मोशन इफेक्ट लेने लगाऊंगा, आप उछले हो तो लगा सकते हो। ठीक है, हेडशॉट मार के जैसे हमारा करेक्टर उछल चुका है ना, तो आपको फिर से अच्छे से उछल चुका है यहाँ पर, तो आपको फिर से नीचे के साइड स्क्रॉल करना है और फिर आपको फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो एक और यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा, जिसपे आप दोबारा से यहाँ पर स्टाइलिंग पे क्लिक करके इफेक्ट लगाना, स्क्रॉल करते जाना और आपको एक थोड़ा लेट बाद यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा, यहाँ पे 3 इफेक्ट मिलेंगे, तो पार्टिकल वाला इफेक्ट लगा लेंगे और कभी कभार क्या होता है ये इफेक्ट नहीं भी लगता है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और एक बात और, जैसे इफेक्ट लग जाएगा ना, तो देखने में तो काफी तगड़ा लगेगा, लेकिन थोड़ा देर पता है ये पहले खड़ा रहता है, तो उस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, रुका हुआ है ना यहाँ पर, तो एक कटआउट मार के ये पीछे वाला पार्ट है ना उसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्वालिटी वाला लेयर गाइस फिर से छोटा पड़ गया, तो इसे दोबारा से हम इंक्रीज कर देंगे, और जैसे यहाँ पर देखो पूरा इफेक्ट खत्म हो जाता है ना, फिर भी थोड़ा सा पार्ट कुछ ज्यादा लंबा लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर क्या करना है, स्प्लिट मार के बीच वाला ये आगे वाला पार्ट है ना उसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, और ये लास्ट वाला पार्ट है ना इसे भी डिलीट कर देना, उसका कुछ काम नहीं है हमारे पास। और आपका कई बार इफेक्ट ना लगे ना, तो क्या करना है आपको, जो ऐसी कोई सी भी क्लिप है उछलने वाले, तो उसे थोड़ा सा आगे पीछे करके फ्रीज वाले ऑप्शन को दोबारा क्लिक करके देख लेना है कहाँ पर इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, और फिर इसे आप हाई क्वालिटी पे एक्सप्लोर कर देना। और एक मेन बात और, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और ऐसे एडिटिंग करना चाहते हो तो इस राइट वाली वीडियो पे जरूर क्लिक करना।